नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ इंडिकेटर को कंफर्मेशन नहीं मान सकते। किसी भी इंडिकेटर्स को आप ये मत समझिए कि वो कंफर्मेशन है, वो इंडिकेट करने का काम करता है सिर्फ। आप इसको कंफर्मेशन लेने के लिए आप मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, तब आपको कहीं जाके एक ट्रेड की हाँ कुछ कंफर्मेशन मिल सकती है, और वो भी 100% कंफर्मेशन नहीं होगी। आप कह सकते हो 70-80-90% कंफर्मेशन होते हैं कि हाँ भाई यहाँ से हमारा ये ट्रेड चल सकता है। तो चलिए हम आपको चार्ट पर लेके चलते हैं और दिखाते हैं आरएसआई दिखता कैसे है और कैसे वर्क करता है। दोस्तों हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और ये हमने निफ्टी 50 का चार्ट धन ऐप में ओपन कर लिया है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप धन ऐप में अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इंडिकेटर लगा लेते हैं आरएसआई, और हम आपको बताते हैं वो कहां से लगेगा। ये इंडिकेटर का ऑप्शन दिख रहा है, यहां इंडिकेटर में आपने क्लिक किया और यहाँ पे लिखा RSI, तो यहाँ पे आपके सामने लिख के आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इस पर हमने क्लिक किया। इसकी बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वो होती है 70 और 30 की। दिखाते हैं हम आपको, ये बाय डिफॉल्ट 70 और 30 की। इसका जो मिडिल वाली लाइन है वो 50 पे दिखा रहा है, वैसे 70-30 की होती है, ठीक है। तो 70-30 में मैं यूज़ करता हूँ 60 और 40 की। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं 60 और 40 क्यों यूज करता हूँ। तो मैं 60 और 40 कर लिया है, अब हम इसमें ओके कर देते हैं। ये ओके हो गया, पहले ये हमारा चौड़ा था यहाँ तक था, अब ये पतला हो गया। तो हमें सिंपल सा एक टर्म समझना है कि अगर ये 60 से ऊपर है तो 60 से ऊपर 100 तक में है तो ये ओवर बॉट हो चुका है, मतलब ज़्यादा खरीदा जा चुका है और वहाँ से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से ये करीब करीब ये 80 के आसपास था, उसके बाद ये अचानक से ऐसे गिरा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अचानक से ऐसे फॉल आया, बड़ी बड़ी कैंडल बनी। और जब ये 40 से नीचे रहेगा, 40 से जीरो तक में ये रहेगा, तो ये बहुत ज़्यादा बेचा जा चुका है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ओवर सोल्ड हो चुका है। तो आप देखेंगे ये अचानक से जब ये 30 से नीचे जाने लगता है तो ये बड़ी कैंडल फॉर्म करता है। ये देखिए बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है इस जगह। तो आपको सिंपल सा समझना है कि जब ये 60 से ऊपर और 100 के बीच में है तो आप एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हो, मतलब आप इसे बाय कर सकते हो 100 तक। और कहीं भी ये जब तक रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है, जैसे आपको रेजिस्टेंस बताएं, ये एक पॉइंट दिख रहा है आपको और एक पॉइंट ये दिख रहा है, इसमें आप लाइन देखेंगे तो ये आपको ये डॉटेड लाइन में सिंपल सा समझ में आ जाएगा कि इस बार बार इसी पॉइंट में ये 68 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर भी लिया और यहाँ पर भी लिया, इस तरह से बार बार इसी जगह पर, यहाँ पर भी इसने लिया, रेजिस्टेंस ले रहा था। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था इस जगह पर, यहाँ पे कई बार ये रेजिस्टेंस मानते हुए इसी तरह से नीचे सपोर्ट मानता है बार बार। जब तक ये कहीं पे बार बार सपोर्ट मान के वहाँ से वापस नहीं आ रहा है तब तक आप इसे उसके जो गैप है वहाँ तक आप बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। तो आप जब ये 60 से ऊपर होगा, 100 तक जाएगा, तो आप इसे बाय कर सकते हो, और जब 40 से नीचे होगा और जीरो तक आने के लिए होगा तब आप इसे सेल कर सकते हो। और जब नीचे ये जीरो के आसपास पहुँच जाता है तो वहाँ से आप एक अच्छा बाइंग का ट्रेड ले सकते हो। वहाँ जीरो से थोड़ा वो वहाँ तक 40 तक आने की एक अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है कि जीरो से वो 40 तक आएगा। जैसे यहाँ से मान लीजिए आपने यहाँ पर 60 में जब लिया होगा तो ये 80 तक गया, यहाँ से आप जब सेल करने के लिए एक बार सोचोगे, यहाँ हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर बॉट हो चुका है। तो देखिए यहाँ तक ये 60 तक आया, फिर उसके बाद ये यहाँ से फिर थोड़ा सा मूव ऑन किया और ये ऊपर इस तरह से देखिए आप मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। तो हम एक ट्रेड 60 से ऊपर भी ले सकते हैं और 40 से नीचे हम इसे बेच सकते हैं, मतलब पुट बाय कर सकते हैं 40 से नीचे में, और 60 से ऊपर में हम कॉल बाय कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको समझना होगा कि ये 0 से 100 के बीच में काम करता है,
ये जो हमारा RSI होता है ये 0 से 100 के बीच में काम करता है, और ये 14 दिन का डेटा जो होता है उसको कैलकुलेट करके चलता है, 14 दिन का डेटा कैलकुलेट करके चलता है, उसके हिसाब से ये लाइनें चलती हैं। आपको एक बात और बता दें कि ये जो 60 और 40 के बीच में जब होगा तब हमें बहुत संभल के ट्रेड प्लान करना होगा। यहाँ पे 60 और 40 के बीच में अगर रह रहा तो मार्केट हमारी वहाँ पे साइडवेज रह सकती है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे हमारा मार्केट साइडवेज रहा है, तो ये देखिए 60 और 40 के बीच में ही रहा है, देख सकते हैं ये 60 और 40 के बीच में यहाँ पे रहा है, तो हमारा मार्केट साइडवेज रहा है। को आप सिर्फ RSI को देख के ट्रेड नहीं ले सकते हो, इस इंडिकेटर्स के साथ आपको मल्टीपल कंफर्मेशन, जैसे आपने सुपर ट्रेंड लगा लिया है या फिर VWAP लगा लिया है, MACD है, आपको मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए होता है कि हमारा यहाँ से ट्रेंड या फिर रिवर्सल हो सकता है या फिर यहाँ से ट्रेंडिंग हो सकता है। आपको सिर्फ RSI के बेस्ड ट्रेड नहीं लेना है, अगर आप सिर्फ RSI बेस्ड ट्रेड लोगे तो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि ये एक इंडिकेटर है जो आपको इंडिकेट कर रहा है, ना कि आपको कंफर्मेशन दे रहा है। आप मल्टीपल इंडिकेटर लगा रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर हम लाइन खींचे, तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट मान रहा है, बार बार यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो अब आप अगर यहाँ पे, यहाँ से ये 40 से नीचे जाने लगा, तो अब आपको लग रहा है कि भाई हम यहाँ से, यहाँ पे सोल्ड कर सकते हैं इसको, और ये यहाँ पे अपने सपोर्ट के आसपास है, और यहाँ पे आपने अगर पुट बाय किया तो आपको लॉस हो जाएगा। फिर ये कि यहाँ से कितना अच्छा रिवर्सल हुआ है, और करीब 462 से लेके ये 539 तक लगभग 60 से 70 पॉइंट का मूव दे दिया यहाँ से, तो आपको बहुत अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। तो आपको मल्टीपल कंफर्मेशन लेनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी, प्राइस एक्शन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इन सब की मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद आपको इसकी एक्यूरेसी 80-90% मिलेगी, जब सब कंडीशंस आपकी फुलफिल होंगी। ऐसे तो ये 50% की एक्यूरेसी रखता है सिर्फ। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हमें भी आपको सिखाने के लिए अच्छे कंटेंट ढूंढते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें।